तो प्रॉब्लम में बोल रखा है पैराबोला P1 हैज ए फोकस दिस एंड वाई एक्सिस इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, पैराबोला P2 इज कॉन्फोकल विद P1 एंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स एक्सिस इफ पॉइंट Q एंड R बी द रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला P1 एंड P2। तो इस रेशियो की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है जहां पर X2 ग्रेटर देन X1 अपन को दे रखा है एंड A एंड B नेचुरल नंबर दे रखा है। तो ट्राई करता है फिर, ये एक्स एक्सिस अपनी, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर मैं 1 बना देता हूँ, ये 2, ये 1 एंड ये 2, ये मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये यहाँ पर ये ड्रॉ करी, ये जो पॉइंट है वो एस है जो कि 2.2 है, एक पैराबोला P1 जिसका फोकस ये एंड डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्सिस है। सो ऑब्वियसली जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है जहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स एंड इसका, जहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स इस एक्सिस को कट करती है यहाँ पर ये पॉइंट आता है और ये फोकस होता है, तो उसका मिड पॉइंट अपना वर्टेक्स होता है। सो ये पैराबोला बनेगा इस टाइप का। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बेसिकली, तुम देखो तो y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x-1, क्योंकि बेसिकली ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये जो अंदर रखता है वो अपन वर्टेक्स के पॉइंट रखता है। सो ये बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस सेम होगी, सो ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस, ये भी 1 यूनिट डिस्टेंस और हाइट तो सेम ही है 2, सो ये 1.2 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। और तुम्हें देखना है कि एक्स एक्सिस को एक हाफ पे कट कर रहा है, सो वाई इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, सो यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x-1 आ जाएगा। सो वाई इक्वल टू 0 पुट करने पर अपने पास ये आ रहा है, सो एक्स इज इक्वल टू, अगर अपन चेक करें तो 2 आ रहा है यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली अगर अपन एकदम सही से फिगर ड्रॉ करें, सो ये कट करेगा यहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू 2, यानी इस पॉइंट पर एकदम यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पे कट करने वाला है। एंड वैसे ही यहाँ पर एक ये पॉइंट, एक जो दूसरा है उसकी जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स है, वो पैरेलल टू इस है, तो यहाँ पर इसका फोकस ये है, सो ये डिस्टेंस यहाँ पर सेम हो जाएगी एंड ये पॉइंट अपना 2.1 हो जाएगा। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वो क्या 4 टाइम्स y-1। यहाँ पे मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये जो ये डिस्टेंस होती है, ये अपन ए बोलते हैं वर्टेक्स एंड फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस ए है, इसलिए यहाँ पे जो मेरे 4a की वैल्यू है वो 4 ही आ रही है। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y-k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x-h, इसलिए मैंने इस केस में भी ये लिखा, इस केस में भी ये लिखा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं लिख लिया, और अब मैं देखना चाहता हूँ ये यहाँ पर वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो वही वाई एक्सिस को 2 पे कट करेगा, यानी ये यहाँ पे इसको कट करने वाला है। सो इस तरीके से ये आएगा, ये यहाँ पर और यहाँ से होता हुआ फिर ऐसे ये जाएगा और आगे कहीं पे कट करेगा ये इस पैराबोला को इस तरीके से। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यह आएगा जिसको इन्होंने बोल रखा है, कौन सा पॉइंट, यहाँ पे क्यू को तो x1 y1 बोल रखा है, आर को x2 y2 बोल रखा है। अब x2 ग्रेटर देन x1 है, तो ये वाला पॉइंट अपना आर हो जाएगा एंड ये वाला पॉइंट अपना क्यू हो जाएगा। तो ये चीज हो गई। और इस लाइन, अब अगर अपन चेक करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दोनों पैराबोला की इक्वेशन है। एक इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x-1, एक इक्वेशन है x-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y-1। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो y²+4 - 4y = x²-4+4x = 4x-4 - 4y+4, इस तरीके से आ जाएगा। तो 4x से 4x कैंसिल हो गया, 4y से 4y कैंसिल हो गया, -4 से -4 कैंसिल हो गया। सो अपने पास बचा क्या, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इस 4 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो सिर्फ y² - x² = 0 बचा, यानी y + x
मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ऑब्वियसली तुम देख सकते हो ये जो लाइन बनेगी क्यू आर, क्यू आर इसकी स्लोप क्या होगी, वन होनी चाहिए। वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ही होनी चाहिए ये, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकते, रियल अपन को निकालना है। सो वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन यहाँ पर ये होगी, इजिली तुम यहाँ ग्राफ से भी देख सकते हो। और फिर ये 2,2 भी इसी लाइन पे लाए करेगा, यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये इसी लाइन पे लाए करेगा, क्योंकि ये भी जो पॉइंट है वो वाई इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेगा एस। सो इस तरीके से बोल सकते हैं तीनों पॉइंट वाई इज इक्वल टू एक्स पे लाई करेंगे। तो ये एक चीज थी यहाँ पर जो अपन ने देखी। अब अपन को डिस्टेंस यहाँ पे बात करनी है आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस की। तो आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस यानी ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है इसका रेशियो निकालना है। सो बेसिकली अपन क्या करते हैं, अपने पास जो इक्वेशन है वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स माइनस वन। अभी वाई इक्वल टू एक्स है यहाँ पर, सो मैं पुट कर देता हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स माइनस 4 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे रूट आ जाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 AC डिवाइडेड बाई 2। सो ये अपने पास हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो एक एक्स वन आएगा यहाँ पर अपने पास छोटा वाला, एंड एक्स टू आएगा जिसका कोऑर्डिनेट बड़ा है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम में बोल रखा है एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन। सो ये चीज आ गई अपने पास। अब अपन को ये भी पता है कि वाई इक्वल टू एक्स है, तो अपने आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 प्लस 2 रूट 2 एंड 4 प्लस 2 रूट 2। एंड क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 4 माइनस 2 रूट 2 एंड 4 माइनस 2 रूट 2। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं आर एस एंड एंड एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,2 पता ही है। सो अगर तुम ये देखोगे तो फर्स्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर ये आ रहा है, एंड ये यहाँ पर कितने टाइम्स आएगा, अगेन यहाँ पर प्लस करेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर आ रहा है। सो ये कितना हो जाएगा अपना आर एस, एंड क्यू एस क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर हुई 2 टाइम्स। तो अगर अपन यहाँ पे देखे तो आर एस क्या आ रहा है, √2 टाइम्स 2 प्लस 2 रूट 2 एंड क्यू एस क्या आ रहा है, √2 टाइम्स। यहाँ पे तुम्हें मोड लगाना पड़ेगा, मोड लगाओगे तो यहाँ पर 2 √2 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, तो ये 2 √2 बढ़ा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखा। एंड आर एस डिवाइडेड बाई क्यू एस निकालोगे तो 2 प्लस 2 √2 डिवाइडेड बाय 2 √2 माइनस 2 आ जाएगा। सो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 माइनस 1। रैशनलाइजेशन कर देंगे तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 1 आ जाएगा, जो कि 3 प्लस 2 √2 हो जाएगा। सो ये अपन को दे रखा था a+b√b के केस में। सो ये 3 प्लस 2 √2 आया अपने पास। सो a एंड b नेचुरल नंबर है, एंड ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।